हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेद अनुलेखा। मिक्स कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके सामने बना रही हूँ सूजी और बेसन के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। तो चलिए चलते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच घी डाले हैं। आप घी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने, जैसे हमारे यहाँ घी ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ 3 चम्मच लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मेरा घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूजी। 1 कप मैंने सूजी ली है। आप सूजी की क्वांटिटी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लीजिएगा और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, हमें अच्छे से सूजी को मैंने बिना जलाए पकाना है फ्रेंड्स, जिससे सूजी जले ना। तो हमें इसे लगातार चलाते रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये जैसे मैं सूजी को लगातार मैं चलाते रह रही हूँ, ये देखिए, और अच्छे से हमें इसे सभी को सेम क्वांटिटी में अच्छे से इसे भूंज लेना है। ये देखिए अब ये देखिए, मेरी सूजी यहाँ पर भूंज गई है। अब मैं इसे एक बर्तन पे बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये मैंने अपनी सूजी निकाल लिया है। ये हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मैं फिर पैन लूँगी, इसमें मैं फिर अपना घी ऐड करूँगी। जैसा कि मैंने कहा है, आपको घी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना फ्रेंड्स, कि आपको कितना घी चाहिए। अगर आपके यहाँ घी कम खाते हैं तो आप घी की क्वांटिटी कम रखिएगा, और ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैंने ले लिया है घी। यहाँ मेरा घी मेल्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर लूँगी सेम क्वांटिटी में, जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हमें बेसन लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है, जो मेरा सूजी वाला नाप था उसी से। तो ये मैंने अब बेसन अच्छे से हमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। और बेसन के लिए गैस की जो फ्लेम है उसे बिल्कुल धीमी रखना, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। तो आप अच्छे से इसे मिक्स करिए, और इसे ऐसे मिक्स करना कि इसमें डगले ना हो। तो ये देखिए, मैं जैसे मिक्स कर रही हूँ ना, आपको वैसे ही मिक्स करते रहना है, लगातार आपको मिक्स करते रहना है। ये देखिए, अब मैं, ये बेसन हो गया है मेरा। अब मैं इसे एक प्लेट में, मैंने इसे निकाल लिया, इसे ठंडा होने दूँगी। मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। अब इसमें भी मैं घी ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। अब ये देखिए, मैंने घी ऐड कर दिया है। अब घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी। इसमें मैंने काजू, बादाम, मखाना और किशमिश, मुनक्का वगैरह लिया है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट कोई से भी ले सकते हैं इसमें आप। ये मैं इसे अच्छे से भूंज लूँगी। ये देखिए, ये मेरा, ये देखिए, ये हो चुका है, लगभग ये हो चुका है। इसमें देखिए, 2-3 से 4 जो मैंने इलायची ली थी, उसे कूट के मैंने इसे अच्छे से भूंज लिया है। अब ये मेरा अच्छे से हो गया है मिक्स। अब मैं इसे सूजी वाले जो मैंने बाउल रखा है उसमें मैं इसे ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया सूजी वाले बाउल में। अब जिस पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, उसी में मैंने अभी घी मेल्ट कर लिया है। इसको मैं अच्छे से मेल्ट करके साइड में रख दूँगी फ्रेंड्स। अब ये मैंने देखिए बेसन वाली प्लेट ली है। इस बेसन वाली प्लेट, ये वही वाली है जो मैंने बेसन भूज के ठंडा करने रखा था। अब मैं इसे अच्छे से मसल लूँगी। मैंने आपको दोनों हाथों का यूज़ करके इसे अच्छे से मसलना है। इसमें एक भी जो डगले हैं ना हमारे छोटे छोटे, वो नहीं बचने चाहिए। बिल्कुल एक महीन सा हमें पाउडर बनाना है इस बेसन का। ये जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है दोस्तों। ये देखिए ऐसे, अब लगातार दोनों हाथों से इसे मसलते रहिएगा। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून थोड़ा सा दूध मिक्स कर दूंगी, और इसे मैं फिर अच्छे से फिर से इसे ऐसी मसल लूँगी। ये देखिए, दूध से टेस्ट अच्छा आता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये ऐड किया फ्रेंड्स। ये ऑप्शनल है, आप ऐड भी कर सकते हो नहीं भी। ये देखिए, ये देखिए, मेरे एक भी डगले नहीं बचे हैं। आपको भी अब ऐसे ही पूरे बेसन को अच्छे से मसलना है, जिससे इसके डगले चले जाएं। ये देखिए, अब मेरे पूरे रेडी हैं। अब मैं इसे क्या करूँगी, जो सूजी वाला बाउल है ना, उसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ऐसे आपको ऐड करना है पूरा। ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे, पहले तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। ये मिक्स हो गए मेरे, ये देखिए,
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे शुगर पाउडर, जो मैंने चीनी है उस चीनी को मैंने पीस के रखा है। आप डायरेक्ट शुगर पाउडर भी बाज़ार से ख़रीद सकते हैं और इसे आपको मिक्स कर देना है। अब मैं ये जो मेल्ट वाला घी रखा था ना, हमें वो ऐड करना है। ये देखिए ऐसे आप ऐड कर दोगे और अच्छे से हमें सभी को मिक्स कर देना है। ये देखिए अब ये है, आपको जो शुगर डालते समय आप हल्का सा गरम रखिएगा घी को, ताकि ये अच्छे से शुगर और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारे अब ये लड्डू बनने स्टार्ट हो गए। ये देखिए अब ऐसे लड्डू हम बना लेंगे। ये देखिए अब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए ऐसे आपको लड्डू बनाने हैं, आप दोनों हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं और एक हाथ का भी। ये देखिए अब अच्छे से आप सभी के अच्छे शेप में अच्छे से लड्डू दे बना लीजिएगा। ये देखिए ऐसे आपको लड्डू बनाना, हल्का गर्म ही रखिएगा हमारे इसको, नहीं तो ये ठंडे होने के बाद ये फिर जम जाएगा। ये देखिए मेरे लड्डू रेडी हैं फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा ऐसे और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लड्डू बना है।